हेलो स्टूडेंट्स, आज हम NIOS बुक 1 का लेसन 13 करेंगे और उस लेसन का नाम है द लास्ट स्टोन मेसन। स्टोन मेसन, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टोन मेसन होता क्या है। स्टोन मेसन दस्तकार होते हैं, उनको शिल्पकार भी बोलते हैं, मूर्तिकार भी बोलते हैं, जो पत्थरों को तोड़कर उसके डिफरेंट डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स बनाते हैं, डिफरेंट मूर्तियां बनाते हैं। सो ये होता है स्टोन मेसन। सो लेट अस स्टार्ट द लेसन। लेसन हम स्टार्ट करते हैं ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ, जिसका मतलब है कि हमारे जो ट्रेडिशनल, जो हमारी परंपराएं हैं कलाओं की और दस्तकारियों की, वो हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन ये डाई आउट होता जा रहा है, ये खत्म होता जा रहा है। बट द क्वेश्चन इज, सवाल ये उठता है कि ये डाई आउट क्यों हो रहा है। मे बी इट इज़ बिकॉज द हैंडीक्राफ्ट ट्रेड डज नॉट फेच मच मनी। इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि ये जो लोग ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बनाते हैं, इन चीज़ों से हैंडीक्राफ्ट्स बनाने वालों को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, इसलिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपने जीवन को चलाने के लिए, और काफ़ी बार उनके पास पर्याप्त सामान भी नहीं होता अपने इन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, और इनको मार्केट चाहिए होती है अपने इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, बट बहुत ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं होती। तो इसलिए ये जो ट्रेड है, ये जो बिजनेस होता है इनका, ये बनाने का, ये खत्म हो जाता है। यंग आर्टिसंस वांट टू अर्न मोर मनी एंड आर इन फेवर ऑफ मास प्रोडक्शन ऑफ आइटम्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड क्विकली रादर देन बाय हैंड। जो यंग यानी कि जो युवा होते हैं, वो चाहते हैं कि हम बहुत सारा पैसा कमाएं, इनका बहुत सारा प्रोडक्शन करके, और अब हैंडीक्राफ्ट से तो भाई हाथ से बना रहे हैं, तो अगर हाथ से बना रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए वो फैमिली के बिजनेस को छोड़ देते हैं। अगर फैमिली किसी हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में, तो वो ये छोड़ देते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? क्या हमें अपने ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट को ऐसे ही ख़त्म होता हुआ छोड़ देना चाहिए, या क्या हम इसको रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? सो ये जो लेसन है द लास्ट स्टोन मेसन, आपको इन्हीं सवालों के जवाब सोचने पर मजबूर करेगा कि हमें क्या करना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो लेट अस बिगिन विद द लेसन एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। इस लेसन को पढ़ने के बाद आप स्टोरी का मतलब समझ पाएंगे, इस स्टोरी में जो फादर का कैरेक्टर प्ले किया है उनके कैरेक्टर को समझ पाएंगे, और आपको पता चलेगा कि कोऑपरेशन यानी कि एक साथ काम करने से, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने से क्या एडवांटेजेस होते हैं, एक फैमिली के अंदर कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, और आप ये भी जानेंगे कि स्किल को सीखने के लिए, उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए हमें एक लगन होना चाहिए। फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अग्री कैसे करते हैं, आप किसी बात पर राजी कैसे होते हैं और डिसअग्री कैसे करते हैं, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, हम इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे और हम डिफरेंट वर्ब्स देखेंगे विद ING, इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी करेंगे, हम इसमें एडवर्ब्स करेंगे और हम इसमें रिपोर्ट राइटिंग भी करेंगे। सो ये लेसन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर ग्रामर भी है, राइटिंग भी है, रीडिंग भी है। सो आई एम श्योर आप सब लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं लेसन 13 ऑफ बुक 1 द लास्ट स्टोन मेसन। इसका हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो भी बनाया है, जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है और हमने इसके ऑब्जेक्ट डिस्कस किए हैं। तो आई होप आप सबने वो वीडियो देखा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट से। सो लेट अस रीड द टेक्स्ट। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं एक स्टोन मेसन है, जो कि बड़ा सा स्टोन है, उसको कट करके, उसको काट कर, उसको कार्व कर रहा है एक मूर्ति में, उसको तोड़ तोड़ कर, काट काट कर एक मूर्ति बना रहा। तो इसमें आप देख सकते हैं अ स्कल्प्टर लव्स टू कार्व ब्यूटिफुल स्टैचूज। एक स्कल्प्टर जो
कि स्टोन मेसन भी होता है, उसे स्कल्प्टर भी बोलते हैं, जो स्कल्पचर्स बनाता है, जो मूर्तियां बनाता है, जिसे हम मूर्तिकार भी कहते हैं, वो ब्यूटीफुल स्टैचूज बनाता है। उसे अपने काम में बहुत मजा आता है और वो अपने काम को करने के लिए टोटली कमिटेड है और वो अपने काम को बहुत ईमानदारी, बहुत लगन के साथ करता है, बेशक उसके पास कितनी ही मुश्किलें हों, चाहे पैसे से रिलेटेड, चाहे कोई भी दिक्कत आती हो, लेकिन वो अपना काम उसी लगन और उसी मेहनत और ईमानदारी के साथ करता रहता है। अब हम एक आर्टिस्ट की छोटी सी दुनिया में हम कदम रखते हैं, जिसमें एक आर्टिस्ट है और उसके बेटे का उसके बारे में क्या कहना है वो हम जानते हैं स्टोरी। सो द स्टोरी बिगिंस लाइक दिस, द यंग मैन थ्रू द हैमर एंड द चिजल टू द ग्राउंड एंड क्राइड, आई एम लीविंग यू फादर, आई एम लीविंग यू एंड योर वर्क, लुक व्हाट इट हैज ब्रॉट अस। एक छोटा लड़का हथौड़े को फेंकता है और चिजल, चिजल का मतलब है छैनी, जो एक टूल होता है जिससे हम स्टोन को, पत्थर को काटते हैं। तो उसने छैनी और हथौड़े दोनों को फेंका और जोर से चिल्लाकर बोला, मैं आपको छोड़कर जा रहा हूँ फादर, और मैं आपको और आपके काम को छोड़कर जा रहा हूँ। देखिए इसने हमें क्या दिया है, he spread out his arms, looked at the small, congested, dark room, the slabs of stones and marble stacked up in one corner. उसने ये सब दिखाते हुए अपने arms को फैलाकर बताया कि देखिए इसने हमें क्या दिया है, कितना छोटा, कंजेस्टेड मतलब हर चीज ठूस ठूस कर भर रखी है, कितना छोटा अंधेरा सा कमरा है हमारा और उसमें स्टोन और मार्बल के स्लैब्स रखे हुए हैं, स्टोन और मार्बल के बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं एक कॉर्नर में, एंड द कॉट कवर्ड विद हीप्स ऑफ यूज्ड क्लॉथ्स, और जो हमारी चारपाई है उसमें हीप्स यानी कि कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, द पेंट ऑफ व्हाइट वॉश्ड वॉल्स हैज कम ऑफ, और जो हमने पेंट कराया था अपनी दीवारों के ऊपर वो भी उखड़ने लगा है, लुक व्हाट इट हैज ब्रॉट अस, नथिंग नथिंग, देखो इसने हमें क्या दिया है, कुछ नहीं, इसने हमें कुछ नहीं दिया इस काम ने आपके। The young man repeated in anger. और वो जो लड़का जब बता रहा था ये सब, तो उसका गुस्सा जो था बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा। This kind of work just doesn't pay. इस तरह का काम कभी भी पैसा नहीं दे सकता। The old man stared at his son. So वो जो old man था, जो बूढ़ा आदमी था, उसने अपने बेटे को देखा। His voice, though trembling, had not lost its usual gentleness. उसकी जो आवाज थी थोड़ी ट्रेम्बल कर रही थी, ट्रेम्बल मतलब जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारी आवाज थोड़ी सी ट्रेम्बल करने लगती है, थोड़ी सी कांपने लगती है, सो हिलने लगती है जब हम कमजोर हो जाते हैं, तो दैट इज ट्रेम्बलिंग। तो वो काफी कमजोर था बूढ़ा आदमी, उसकी वॉइस में वो कमजोरी तो थी, वो हिलना तो था, बट उसकी जो जेंटलनेस थी यानी कि उसकी जो काइंडनेस थी, उसकी जो दयालुता थी, वो उसकी आवाज में अभी भी थी। तो उसने इसी आवाज में, इसी जेंटल आवाज में, इस प्यार भरी काइंड आवाज में उसने बोला, इट इज नॉट द मनी अलोन दैट मैटर्स सन, सिर्फ पैसा मायने नहीं रखता है बेटा, इट इज द सर्विस, आवर सर्विस टू गॉड, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो सर्विस दे रहे हैं, और ये सर्विस जो है वो हम सिर्फ अपने लिए नहीं, हम भगवान को सर्विस दे रहे हैं, हम ऊपर वाले को सर्विस दे रहे हैं। अब उसका बेटा दोबारा कहता है, फादर टाइम्स हैव चेंज्ड एंड सो हैज द स्टोन मेसन्स वर्क, फादर टाइम अब बदल चुका है, अब वक्त बदल चुका है और अब ये शिल्पकारों का काम भी बदल चुका है, यू कैन नॉट लिव कार्विंग स्कल्प्टर्स फॉर टेम्पल्स ओनली, कम ऑन फादर, यू हैव टू मास प्रोड्यूस लाइक ऑल अदर पीपल इन आगरा, आप अपनी पूरी लाइफ, हम ऐसे नहीं जी सकते कि हम सिर्फ टेम्पल्स के लिए ही स्कल्पचर्स को बनाते रहें, अब आपको थोड़ा मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पर, और जैसे कि और लोग कर रहे हैं आगरा के अंदर। द लाइन्स अराउंड द ओल्ड मैन्स माउथ टाइटेंड, अब ओल्ड मैन को अपने बेटे की ये बात थोड़ी सी पसंद नहीं आई, तो उसने अपना मुंह थोड़ा बंद कर दिया। He said, "No, my son, this is the work I have learnt from my father, and he had learnt from his father." बेटा ऐसा नहीं है, ये जो काम है मैंने अपने फादर से सीखा है, मैंने अपने पिता से सीखा है, और मेरे पिता ने अपने पिता से सीखा है। We have kept up this tradition for hundreds of years, और हमने इस, ये हमारा ट्रेडिशन है और इसको हमने सैकड़ों सालों से संजो कर रखा है, सैकड़ों सालों से अपने पास रखा है।
एंड आई होप्ड यू वुड कंटिन्यू आवर वर्क, और क्योंकि तुम मेरे बेटे हो तो मैं उम्मीद करता था कि तुम मेरे काम को आगे बढ़ाओगे. सो उसके बेटे को और ज्यादा गुस्सा आता है. वो बोलता है, नो फादर, देयर इज सो मच मनी इन कैंडल स्टैंड्स, पेपर वेट्स, एश ट्रेज एंड प्लेट्स फॉर टूरिस्ट. और ये कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल जाता है. क्या कहते हुए कि नहीं फादर, सिर्फ मूर्तियों में पैसा नहीं है, कैंडल स्टैंड्स बनाने में बहुत पैसा है, पेपर वेट जो कि बहुत सारे स्टैक्स के ऊपर हम पेपर के ऊपर एक भारी सा वेट रख देते हैं उसके अंदर बहुत पैसा है, एशट्रे बनाने के अंदर बहुत पैसा है, प्लेट्स बनाने के अंदर बहुत पैसा है, तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसमें ज्यादा पैसा हो. ये नहीं कि हम सिर्फ एक ही काम को सदियों से कर रहे हैं तो उसी को ही करते आए. और ये कहते हुए वो रूम से बाहर निकल गए. द ओल्ड मैन सैट बिफोर द हाफ फिनिश्ड मार्बल स्टैचूज ऑफ राधा एंड कृष्ण. और बूढ़ा आदमी आधे बने हुए राधा कृष्ण के मार्बल के स्टैचूज को, मूर्तियों को के सामने बैठ गया. He dropped his hands into his lap and closed his eyes. उसने अपने हाथों को अपने लैप पर, अपनी गोद में रखा और अपनी आंखें बंद कर ली. He was praying और दुआ मांगने लगा. He did not seem to listen to the hesitant goodbye. The sun called out from the door. He sat still. और जब वो प्रे कर रहा था, उसने अपने बेटे के गुड बाय को, यानी कि फाइनल, उसका बेटा शायद उसे छोड़कर जा रहा था, तो उसने उसके फाइनल गुड बाय को भी ध्यान से नहीं सुना. ही वॉज हेजिटेंट, मतलब हेजिटेंट मतलब वो थोड़ा दुविधा में था कि वो सुनना नहीं चाहता था, बट उसने सुना लेकिन वो हिला नहीं. ही सैट स्टिल. एकदम से एक आवाज आई, मास्टर जी, मास्टर जी. सलीम द सर्वेंट बॉय एंटर्ड द वर्कशॉप. और एक लड़का जो नौकर था, उस वर्कशॉप में काम करता था, वो शॉप के अंदर आया और उसने कहा, मास्टर जी, मास्टर जी, जैसे वो उन्हें जगाना चाहता था. His voice was filled with concern. और उसकी आवाज में एक कंसर्न थी, एक केयर थी, एक ख्याल था कि वो अपने मास्टर जी का ख्याल रखे. He held a cup of tea in his hand. और उसके हाथ में एक चाय का कप था. The old man lifted his head. Old man ने, बूढ़े आदमी ने अपना सर उठाया. He had a pale face and looked old and tired. उसका चेहरा पीला था और वो बूढ़ा और बहुत थका हुआ लग रहा था. He said, Salim, soon I'll be the last mason here as everyone has gone to Agra. और उस बूढ़े आदमी ने उस servant boy से कहा कि सलीम, जल्दी ही मैं यहाँ का सिर्फ आखिरी कारीगर होऊंगा, आखिरी हैंडीक्राफ्ट बनाने वाला होऊंगा, स्टोन मेसन होऊंगा, क्योंकि सब लोग आगरा जा चुके हैं. Has gone to Agra. Look, Gopal, my son has gone too. और देखो, गोपाल, मेरा बेटा, वो भी चला गया है. Now I'll have to finish this sculpture all by myself. और अब मुझे ये मूर्ति अपने आप ही अकेले बनानी होगी. The old man looked at the orphan boy Salim and said, I have very little strength. I can't work with the chisel the way I used to. Old man ने, बूढ़े आदमी ने उस छोटे लड़के को देखा, सलीम को, orphan boy. He was an orphan boy. Orphan boy मतलब उसके माता पिता नहीं थे, वो अनाथ था. और उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के को देखकर कहा कि मेरे अंदर अब बहुत कम ताकत रह गई है, मेरे अंदर अब इतनी शक्ति नहीं है, और मैं जिस तरह से अपनी छैनी से पहले काम करता था, मैं अब उस तरह से नहीं कर सकता. कार्विंग टेक्स टू लॉन्ग अ टाइम. और मूर्तियों को तराशना, मूर्तियों को काव करना, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत समय लगता है. I have to finish the work and I will. लेकिन फिर भी मैं अकेले ही काम करूंगा और अपना काम को फिनिश करूंगा, कंप्लीट करूंगा, और मैं जरूर करूंगा. I will. The boy offered tea to the man and said, Please drink this. I will do you good. Yes, I know you will finish this book. तो लड़के ने अपने मालिक को चाय दी, चाय ऑफर करी और कहा कि कृपया आप इसको पी लीजिए, ये आपको फायदा देगी, और मैं जानता हूँ कि आप इस काम को फिनिश कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, खत्म कर देंगे. द ओल्ड मैन साइड एंड पिक्ड अप द चिसल एंड द हैमर. बूढ़े आदमी ने एक आह भरी और अपना छैनी और हथौड़ा उठा लिया और अपना काम शुरू कर दिया. ही लव्ड हिज वर्क एंड डिडंट वांट टू चेंज इट फॉर एनी अदर वर्क इन द वर्ल्ड. वो अपने काम से बहुत प्यार करता था और वो अपना काम किसी भी काम के लिए, दुनिया के किसी भी काम के लिए बदलना नहीं चाहता था. For days together, the man worked continuously without taking any rest. कई दिनों तक लगातार वो आदमी
वो बूढ़ा आदमी उस काम को करता गया, कंटिन्यूअसली, निरंतर, बिना रुके काम करता गया, बिना थके, बिना बिना आराम किए वो काम में लगा रहा। हिज वन डिजायर वॉज टू फिनिश द स्कल्पचर विच वुड बी हिज लास्ट। और उसका एक ही मकसद था, एक ही इच्छा थी उसकी कि ये मूर्ति किसी तरह मैं कंप्लीट कर दूं, किसी तरह खत्म कर दूं, और शायद वो उसकी आखिरी स्कल्पचर होगी। ही वर्क टिल हिज हैंड्स बिगैन टू ट्रेम्बल एंड हिज शोल्डर स्टार्टेड टू एक, और उसने तब तक काम किया जब तक उसके हाथ कपकपाने नहीं लगे और उसके कंधे दर्द नहीं करने लगे। His arms grew heavy and his eyes grew tired. उसके हाथ भारी होने लगे, उसकी बाहें भारी होने लगी और उसकी आंखें थकने लगी। And then he couldn't see anymore. और फिर उसको कुछ भी नजर नहीं आया और फिर वह बिल्कुल नहीं देख सका। At that moment, Salim returned. और उसी लम्हा, उसी क्षण सलीम वापस आ गया। He saw the old man and asked him to eat some food. उसने बूढ़े आदमी को देखा और कहा कि क्या आप कुछ खाना खाएंगे? The old man whispered, I am not going to finish it. I will not complete it. Old man ने, बूढ़े आदमी ने बहुत धीमी आवाज में, whisper करना मतलब बहुत धीरे से बोलना, कहा कि मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। If Gopal was here, it would have been different, although he was not a good sculptor. हाँ, अगर गोपाल होता यहाँ पर तो शायद चीजें कुछ और होती। हालांकि वो इतना अच्छा कारीगर नहीं है, बट फिर भी वो कम से कम इसको कंप्लीट कर लेता। ही हैड डिफिकल्टी इन कार्विंग द फेस एंड हैंड्स प्रॉपरली। और इस बूढ़े आदमी को पता था कि गोपाल की कमजोरी थी कि वो चेहरा और हाथों को प्रॉपरली नहीं बना पाता था। देयर वाज समथिंग मिसिंग इन हिज फिंगर्स। उसे लग रहा था कि उंगलियों में कुछ कमी है, दैट समथिंग कांट बी टॉट। और वो कुछ ऐसा था जो कि सिखाया नहीं जा सकता था। सलीम विस्पर्ड, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड यू। और सलीम ने शायद उस बूढ़े आदमी की बात समझ ली और उसने धीरे से कहा, क्योंकि वो हमारे अंदर से, हमारे बहुत अंदर से निकल करके आती है, बहुत गहराई से निकल कर आती है। यू आर राइट सलीम। और बूढ़े आदमी ने कहा कि तुम ठीक कहते हो। एंड देन द ओल्ड मैन एडेड, एंड इफ यू डोंट हैव इट इनसाइड यू, देन यू वुड बेटर गो टू आगरा एंड मास प्रोड्यूस ऐश ट्रेज फॉर द टूरिस्ट्स। और फिर ओल्ड मैन ने कहा, बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ, अगर तुम्हारे अंदर वो चीज नहीं है जो तुम्हारी गहराई में से, तुम्हारे अंदर से आती है कुछ कर सकने की बात, तो शायद तुम्हें आगरा चले जाना चाहिए और वही करना चाहिए जो बाकी सब करते हैं। क्या करते हैं कि बहुत लार्ज स्केल के ऊपर बहुत सारी एस्ट्रेज बनाओ टूरिस्ट के लिए, वही सब करो जो बाकी सब करते हैं। द बॉय आस्क्ड मास्टर जी टू ईट एंड आफ्टर फीलिंग अ लिटिल बेटर द ओल्ड मैन पिक्ड अप his hammer and chisel again and worked till late in the night. तो बूढ़े आदमी से बच्चे ने दोबारा पूछा, सलीम ने दोबारा पूछा कि थोड़ा अब वो अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं तो वो कुछ खा लें। और फिर उन्होंने अपना हथौड़ा उठाया और छेनी उठाई और फिर देर रात तक काम करते रहे। इन दोज डेज ही प्रेड अ लॉट। और उन दिनों वो बहुत प्रे करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे। नाउ ही प्रेड फॉर हेल्प एंड स्ट्रेंथ And he prayed for his son. और अब वो किस चीज के लिए दुआ मांगते थे? मदद के लिए, शक्ति के लिए और अपने बेटे के लिए। In the early hours of the morning, the chisel fell from the old man's hand. The hammer dropped to the ground. And he fainted. और काफी सुबह, काफी अर्ली मॉर्निंग, यानी कि दिन के शुरुआती घंटों में कुछ ऐसा हुआ कि ओल्ड मैन के हाथ से, बूढ़े आदमी के हाथ से वो जो छैनी थी वो नीचे गिर गई और हथौड़ा जो था वो भी नीचे फर्श पर, जमीन पर गिर गया, वो बेहोश हो गए। When the old man opened his eyes, he found himself on the cot in his bedroom, covered by a light cotton blanket. जब उनको होश आया तो जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने आप को एक चारपाई पर पाया, एक कॉट पर, एक बेड पर पाया उनके बेडरूम में। और उन्होंने एक हल्की सी कॉटन की कुछ कंबल ओढ़ रखा था। फ्रॉम द वर्कशॉप द चिपिंग अराउंड ऑफ द चिजल रीच्ड हिज ईयर्स। और उनको समझ आ रहा था कि शायद उनके काम की कार्यशाला है, वहां पर कुछ छैनी से कुछ आवाज हो रही थी और पत्थर कुछ काटा जा रहा था, वो उनके कानों में जा रहा था, तो उनको लगा शायद कुछ है। उन्होंने ध्यान से सुना, ही लिसन्ड।
Had he heard correctly? क्या उन्होंने ठीक सुना? He could hear it again. Strong blow of the hammer on the top of the chisel. और वो दोबारा सुन सकते थे. वो धोखा नहीं था. और उन्होंने बहुत जोरदार हथौड़े की चोट कोई कर रहा था चिजल के ऊपर, छेनी के ऊपर. उन्हें लगा कि शायद गोपाल, he was back. और अचानक से उन्हें ख्याल आया, ये तो गोपाल है, ये वापस आ गया है. गोपाल had returned. गोपाल वापस आ गया था. He should help him. उसे उसकी सहायता करनी चाहिए, उसे उसकी मदद करनी चाहिए. They would finish the statue together. और उन्होंने सोचा कि हम दोनों मिलकर ये statue complete कर लेंगे. Weakly, he walked to the door. और कमजोरी से चलते हुए वो दरवाजे तक पहुंचा. गोपाल, he was about to say, but the words froze on his lips. वो कहना चाहते थे गोपाल, बट जैसे ही उन्होंने देखा कि क्या है, उनके शब्द मानो होठों के ऊपर जम गए. वो कुछ बोल ही नहीं सके. और उन्होंने क्या कहा? No, he wanted to cry out. वो जोर से चिल्लाना चाहते थे, stop the work, रोको इस काम को, नहीं रोको इस काम को. But he couldn't move and stood staring at the young stone carver working at the face of the statue. But कुछ कह नहीं सके वो. वो हिल नहीं सके. He couldn't move. और वो बस देखते रहे, खड़े हुए देखते रहे एक छोटे लड़के को जो कि स्टोन को काव कर रहा था, यानी कि पत्थर के ऊपर एक नक्काशी कर रहा था, कट कर रहा था. और वो क्या बना रहा था? उस मूर्ति का चेहरा, उस मूर्ति का फेस. इट वॉजंट हिज सन गोपाल, बट सलीम हिज सर्वेंट. और वो गोपाल नहीं था, वो उसका बेटा गोपाल नहीं था, बट वो था सलीम, उसका नौकर. द ओल्ड मैन watched, stunned, unable to speak. Old man, बूढ़ा आदमी मानो सुन सा हो गया हो, stunned, सुन सा हो गया हो, और कुछ बोल नहीं सका. Anger gave way to a feeling of admiration. और जो गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ था, वो अचानक admiration, यानी कि प्रशंसा, तारीफ में बदल गया. Hey Ram, the old man whispered. और उसने धीमे से कहा, Hey Ram. Finally, when the weakness had left him, he walked over to the boy, put his hand on his shoulder. Salim. और जब उसके अंदर से कमजोरी निकल गई, जब उसकी कमजोरी थोड़ी ठीक हो गई, तो वो लड़के के पास, सलीम के पास चल कर गया और उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, सलीम. द बॉय स्टार्टेड. लड़का थोड़ा चौंक गया. इट शुड बी स्टार्टल्ड एक्चुअली. स्टार्टल्ड मतलब चौंक जाना. ही टर्न्ड लुकिंग अप एट हिज मास्टर. और वो अचानक मुड़ा और उसने देखा कि मास्टर खड़े हैं. और उसने क्या कहा? आई ओनली वॉन्ट टू हेल्प, विस्पर्ड द बॉय. आई लर्न इफ यू टीच मी मास्टर जी. और उसने हिचकिचाते हुए, दिस शोज हिचकिचाहट, हेजिटेशन, मैं सिर्फ आपकी सहायता, आपकी मदद करना चाहता था. और उसने धीरे से उसको कहा, और मैं सीख जाऊंगा अगर आप मुझे सिखाएंगे मास्टर जी. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सीक्रेटली. और मैं छिप कर इसको प्रैक्टिस कर रहा था, अभ्यास कर रहा था. फॉर ऑलमोस्ट 2 years इन द क्वारी. और लगभग 2 साल से मैं क्वारी, खान, पत्थर की खान में इस काम को सीख रहा था, कोशिश कर रहा था कि मुझसे हो जाए. आई नो, मैं जानता हूँ. आई शुड नॉट हैव डन दिस. मुझे ये नहीं करना चाहिए था. बट इजंट दिस डिफरेंट मास्टर जी? बट आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा अलग है? दिस इज स्कल्पचर, इजंट इट? क्या ये मूर्ति नहीं है? ये मैं मूर्ति बना रहा हूँ ना, है ना? द ओल्ड मैन पुल्ड द बॉयज हेड अगेंस्ट हिज शोल्डर एंड विस्पर्ड. और ओल्ड मैन ने, बूढ़े आदमी ने सलीम को अपनी तरफ खींचा और उसे अपने गले से लगा लिया. देयर और धीमे से कहा, एंड विस्पर, देयर इज नथिंग आई कैन टीच यू माय सन. ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ. गो अहेड, यू हैव इट इन योर हार्ट. तुम बहुत आगे जाओगे, ये तुम्हारे दिल में है. आई नो यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मेसन्स इंडिया विल एवर हैव. और मैं जानता हूँ, मेरे दिल में है कि तुम भारत के सबसे अच्छे पत्थर तराशने वालों में से बनोगे. सो इस कहानी ने ये बता दिया कि एक स्टोन मेसन जो था, जो अपने आप को सोच रहा था कि मैं लास्ट स्टोन मेसन हूँ, उसने कहीं ना कहीं एक और इंसान को एक इंस्पिरेशन दी कि वो भी एक स्टोन मेसन बने. सो इट ही वॉज नॉट रियली द लास्ट स्टोन मेसन. ही मेड वन मोर स्टोन मेसन. और ये जो सलीम था, ये अगला स्टोन मेसन बना. और ये कहानी लिखी है सिगरन श्रीवास्तव ने. तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी. आप इसको दोबारा से रीड करिए और इसे अपने शब्दों में एक्सप्लेन करने की
कोशिश कीजिए. थैंक यू, बाय बाय. हाय एवरीवन, लास्ट टाइम हमने लेसन को पढ़ा था, समझने की कोशिश की थी एंड हमने इसके साथ साथ उसके डिफिकल्ट वर्ड्स भी समझे थे. आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड अब हम स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस 13.1 से. सो लेट अस स्टार्ट. बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्ट 1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाट वाज द ओल्ड मैन्स प्रोफेशन? व्हाट वाज His attitude to his work. इस question का मतलब है बूढ़े आदमी का profession, यानी कि वो क्या काम करता था और काम के प्रति उसका क्या attitude था. तो आप लिखेंगे कि the old man's profession was to carve stones and make statues. आप ये भी कह सकते हैं the old man was a stone mason. He used to carve statues from stones. His attitude towards work, you can say कि he was very committed towards his work. He was a dedicated worker. And another thing that he believed was he was serving to God. That was his attitude towards his work. Next one is the young man threw his hammer and the chisel to the ground. Why do you think he did so? छोटे लड़के ने, यहाँ बात किसकी हो रही है? Young man का मतलब है गोपाल. गोपाल ने अपना हैमर और अपना चिजल, अपनी छेनी को ग्राउंड पर फेंक दिया. क्या रीजन आपको लगता है? आपको क्या लगता है कि क्या वजह है? हमें लगता है कि वो अपने काम से बहुत ज्यादा नाखुश था और क्योंकि वो ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे उस प्रोफेशन से. So you will say, the young man threw his hammer and chisel to the ground. We think that he did so because he was not satisfied with the work that his father was doing and he did not want to continue with that work because it was not paying enough. It was not paying much. So he wanted to try out something different like making ashtrays, going to Agra, mass production of goods. So that was his mind. He wanted to earn more. Okay, next one is, how did the old man learn carving? Old man ne carving kaise seekhi? What did he expect from his son? Aur wo apne bete se kya expect karta tha? The old man learned carving from his father. He expected his son to carry forward his traditional craft. Next one is, tick the suitable option to complete the statement given below. Aapko इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है. द यंग मैन डिसाइडेड टू लीव हिज फादर एंड हिज वर्क बिकॉज गोपाल ने, यंग मैन यहाँ पर गोपाल कहा जा रहा है गोपाल को, उसने अपने फादर को और उसके काम को छोड़ने का निश्चय इसलिए किया क्योंकि वो कार्विंग में अच्छा नहीं था, वो अपने फादर से प्यार नहीं करता था, वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता था या वो सिटी लाइफ को एंजॉय करना चाहता था. सो ऑब्वियसली इट इज ऑप्शन नंबर सी कि वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता था. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द यंग मैन्स ओपिनियन अबाउट हिज फादर्स वर्क? डू यू थिंक ही वाज राइट? आपको क्या लगता है कि उस लड़के का अपने फादर के काम के बारे में क्या ओपिनियन था, क्या राय थी और क्या आपको लगता है वो सही था? अब यहाँ से आंसर शुरू करेंगे. द यंग मैन्स ओपिनियन अबाउट हिज फादर्स वर्क वॉज दैट द प्रोफेशन वॉज अ लो पेइंग प्रोफेशन. वो ज्यादा पैसे नहीं फेच कर पाते थे. इट वॉज अ लो पेइंग प्रोफेशन एंड इट डिड नॉट फेच इनफ मनी फॉर देयर सस्टेनेंस एज द फैमिली वॉज लिविंग इन पॉवर्टी. पॉवर्टी हम इसलिए कह रहे हैं, गरीबी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसने जिस तरह से अपने कमरे का डिस्क्रिप्शन दिया था कि बहुत अंधेरा था, कंजेस्टेड था, हर चीज स्टैक थी, तो हम कह सकते हैं कि वो एक गरीब परिवार को बिलोंग करता था. सो वी कैन से दैट द यंग मैन वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज फादर्स वर्क एज इट डिड नॉट फेच इनफ मनी. Do you think he was right? Well, ये आपका अपना opinion है. आप कह भी सकते हैं कि वो ठीक था और आप ये भी कह सकते हैं कि वो ठीक नहीं था. दोनों तरह से आपका अपना opinion reflect होगा. Now, what did Gopal suggest to his father? What was his father's response? अब यहाँ पर हम बताएंगे कि गोपाल ने अपने फादर को क्या suggestion दिया और उसके फादर का क्या response था. गोपाल ने सजेस्ट किया कि फादर को उसके साथ दूसरी चीजों का प्रोडक्शन करना चाहिए, मास प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड, जिसमें मशीनी काम यूज होता है ज्यादा, हाथ का काम ज्यादा यूज नहीं होता. जैसे कि दो तीन चीजें उन्होंने डिस्क्राइब करी थी, एस्ट्रे बनाना, प्लेट्स बनाना टूरिस्ट के लिए और उनको शिफ्ट हो जाना चाहिए आगरा. सो गोपाल, यू विल स्टार्ट लाइक दिस, गोपाल सजेस्टेड टू हिज फादर टू चेंज हिज प्रोफेशन टू मास प्रोड्यूस द गुड्स and shift to Agra. What was his father's response? उसके फादर का क्या response था इसके ऊपर? उसके फादर का response था कि वो इस काम को नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये उसका family traditional handicraft था. So his father's response was
that it was a service to God and he did not want to change his profession and he wanted to keep up with this family tradition, handicrafts. Now, next one is use suitable words, phrases from the box to replace the italicized part of the sentence given below. Aapko is box mein kuch words diye hue hain, jaise tradition, heaps, came off, stacked up. To in words ko aapko italicized, ye dekhi, italics mein kuch words likhe hue hain, jaise piles, piled up neatly, custom, got removed. In words se aapko ye words isme replace karne hain, right? Now let us look at the sentences. Number one is, piles of clothes and discarded things lay in the courtyard for a number of days after Suman's house was whitewashed. This marred the beauty of the house. Piles ka matlab kya hota hai? Piles ka matlab dher laga hona. ढेर था old and discarded things, पुरानी और बेकार की चीजों का ढेर लगा हुआ था courtyard यानी कि बरामदे में बहुत दिन तक, जब सुमन का घर सफेदी हुआ, white wash हुआ. This marred the beauty of the house, इससे घर की जो beauty थी वो थोड़ी बेकार हो गई, खराब हो गई. So you will say it was heaps, क्योंकि ये heaps जो था, ये lesson में भी आया था, हमने किया था. Heaps का मतलब है ढेर लगा होना किसी चीज का. Okay, the next one is, the dowry system in Indian society is a bad custom. It must be abolished. So, custom, dowry system जो है इंडिया की सोसाइटी में, दहेज प्रथा जो है इंडियन सोसाइटी में बुरी प्रथा है और इसे खत्म कर देना चाहिए. So, प्रथा आप क्या चूज कर सकते हैं? Tradition, came off, stacked up. So, tradition is the correct answer. Tradition मतलब parampara. Next is, when we visited the construction site of our new house, we found a lot of bricks piled up neatly near the fence. Jab hum construction ki site par pahunche, apne ghar ki construction site par pahunche, to humne bahut sari eento ko, ab yahan par dekhiye piles likha hua hai, theek hai, yahan likha hua hai piled up neatly. Piled up neatly ka matlab hai ki bahut tarike se koi cheez lagai gayi ho, and that means stacked up. So you will replace piled up neatly with stacked up. Okay, next one is, the salesman could not tell us the price of the shirt I like because its price tag got removed when he was arranging the new stock on the shelves. Salesman mujhe शर्ट का कीमत नहीं बता सका क्योंकि उसका, जब वो सामान अरेंज कर रहा था शेल्व्स में, तो उसका प्राइस टैग रिमूव हो गया, यानी के केम ऑफ, निकल गया, रिमूव हो गया. नाउ नेक्स्ट वन इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन कह रहा है, सपोज यू आर द ओल्ड स्टोन मेसन, योर सन हैज लेफ्ट यू एंड द फैमिली बिजनेस एंड हैज गॉन अवे. Express in 50-60 words what sort of thoughts came to your mind at his behavior. आप खुद stone mason हैं, आप अपने आप को imagine करिए, आपका बेटा आपको छोड़कर चला गया है और आपकी family business को छोड़कर बहुत दूर चला गया है. आपको कुछ शब्दों में बताना है कि जब आपका बेटा गया तो आपके mind में, आपके मन में किस तरह के भाव आए उसके इस बर्ताव को लेकर के. सो आप क्या बताएंगे, कि आपको अच्छा लगा, कि आपको बुरा लगा, उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको नहीं करना चाहिए था, आपकी खुद की क्या सिचुएशन हो गई, आपको अपने फ्यूचर की चिंता होने लगी, आपकी आवाज में लड़खड़ाहट आने लगी, ट्रेम्बल होने लगी आपकी आवाज, और आपने उसको मतलब बुरा सोचा या अच्छा सोचा, ये आपको इसमें बताना है. तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा सिर्फ अकेला बेटा था, इकलौता बेटा था, और वो मुझे छोड़कर चला गया. माई ओनली सन गोपाल लेफ्ट मी एंड the family business and went away, and he was very angry with me and he was very dissatisfied, he was frustrated because the profession that I am into was not fetching enough money and he wanted me to change my profession and move with him to Agra, but I wanted to continue with my profession because it was my traditional profession. So when he left me, I thought that my own son cannot understand me. I was very shaken, I was very surprised, and it has jolted me, and I have now become very old. I expected him to continue with the family tradition, but he has gone and I am devastated, I feel lost. So is tarah ki baatein aapko likhni hai.
Now let us start with in-text questions 13.2. On the basis of your understanding of part 2, answer the questions given below. Part 2 ko padhne ke basis par aapko ye questions ka answer dena hai. First is, when Salim came to the old man to serve him tea, his voice was filled with concern. What do you think Salim was concerned about? Jab Salim बूढ़े आदमी के पास चाय लेकर आया उसे देने के लिए, उसकी आवाज में एक कंसर्न थी. कंसर्न का मतलब उसकी आवाज में एक केयर थी बूढ़े आदमी के लिए. उसकी आवाज में वो कंसर्न क्यों थी आपको ये बताना है, और किस वजह से थी. व्हाट डू यू थिंक सलीम वाज कंसर्न्ड अबाउट, उसको उसकी चिंता किस बात को लेकर थी. सो ये कह सकते हैं आप कि सलीम ने जब देखा कि ओल्ड मैन बहुत ज्यादा ट्रेम्बल कर रहा है और बहुत घबरा गया है, बहुत परेशान है, तो उसको देख कर, उसकी हालत को देख कर सलीम बहुत ज्यादा कंसर्न हो गया. मे बी ही वॉज कंसर्न्ड अबाउट द ओल्ड मैन्स कंडीशन when his son left him. Next question is, who was Salim? What was his relation with the old man? Salim kaun tha? Aur uska old man ke saath, bure aadmi ke saath, kya relation tha? We know that Salim was a boy who worked in his handicrafts workshop and his relation was, he was his servant. Salim uske workshop mein kaam karne wala ladka tha, uska naukar bhi tha. What was old man worried about? Old man kis baat se chintit tha? The old man was worried that how would this statue be completed? Ye last statue mera kaise finish hoga? क्योंकि वो डिपेंड कर रहा था गोपाल के ऊपर. ही वॉज डिपेंडेंट ऑन गोपाल दैट ही वुड कम्प्लीट हाफ ऑफ हिज वर्क, बट नाउ दैट गोपाल हैज लेफ्ट हिम, सो ही वॉज ऑल द मोर वरिड. गोपाल चला गया था तो और ज्यादा चिंतित था. सो द ओल्ड मैन वॉज वरिड अबाउट हाउ ही वॉज गोइंग टू कम्प्लीट द स्टैचू ऑल बाय हिमसेल्फ. नेक्स्ट इज, वाई डिड ही विश गोपाल वॉज विद हिम? उसने ऐसा क्यों कहा कि गोपाल काश मेरे साथ होता? इसका लिख सकते हैं हम कि he wished गोपाल was with him because गोपाल would help him complete the statue. Because the old man had become too weak and too old to complete the statue all by himself. वो बहुत बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, तो वो खुद अकेले नहीं कर पाता statue complete. इसलिए वो चाहता था कि गोपाल उसके साथ हो ताकि वो उसकी help करे. Next is, Salim said, it comes from somewhere deep inside you. Explain the meaning of the phrase, it should be phrase, in your own words in 2-3 sentences. Salim ने कहा कि ये आपके अंदर से आता है, आपकी गहराई में से आता है, और इस बात को आपको 2-3 sentences में बताना है. इसका मतलब है कि एक आपके अंदर जो इंस्पिरेशन है काम को करने की, और डेडिकेशन है, सिंसियरिटी है काम को करने की, वो आपके अंदर से ही आती है और ये आपको अंदर से ही फील होनी चाहिए. सो यू कैन से दैट इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मास्टर अ स्किल, टू गेन परफेक्शन ऑफ अ स्किल. द इंस्पिरेशन एंड द अर्ज टू वर्क इज इन वन्स ओन हार्ट, एंड वी मस्ट हैव द डेडिकेशन एंड द सिंसियरिटी टू डू इट विद कंप्लीट डिवोशन. नेक्स्ट वन इज, which word in para 1 of part 2 means the same as worry? Worry ka matlab kya hai? वो आपको यहाँ से ही दिख जाएगा कि his voice was filled with concern. तो worry का मतलब है concern, किस बात की चिंता थी. which word in para 3 of part 2 means the same as job? job का मतलब work. pick out the word from para 4 of part 2 which means the opposite of spoke loudly. तो ये वर्ड कई बार इस पैसेज में आया और इसका मतलब है whispered. नेक्स्ट है opposite of weakness. weakness का उल्टा strength. तो ये भी आप उसमें से देखकर लिख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, imagine you are Salim. You served the old man after his son left him. What inspired you to help him? Express yourself in 50-60 words. अब आपको इमेजिन करना है कि आप सलीम हैं. आपने उस बूढ़े आदमी को सर्व किया, यानी कि उसका हेल्प किया, उसका काम किया जब उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया. आपको किस बात से इंस्पिरेशन मिली कि आपको उसकी हेल्प करना चाहिए? आप भी जा सकते थे उसे छोड़कर, लेकिन आपके अंदर क्या था, आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए? तो आप बता सकते हैं कि आपको कितना बुरा लगा जब एक बेटा अपने फादर को छोड़कर चला गया, जिसने अपने फादर से ऊपर पैसे को रखा, और आपको उससे कितनी घृणा है, आपको कितना बुरा लगा उसके बारे में सोचकर, और आपको कितना सॉफ्ट कॉर्नर है उस बूढ़े आदमी के लिए. और दूसरी बात, आप ये भी कह सकते हैं कि आप खुद भी एक स्टोन मेसन बनना चाहते थे, क्योंकि उसमें मेंशन है कि वो सीक्रेटली क्वारी में जाकर इस काम को सीखना चाहता था. तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई माई सेल्फ वॉन्टेड टू लर्न दैट आर्ट, सो आई रियली वॉन्टेड टू हेल्प द ओल्ड मैन इन कैरिंग आउट द फैमिली ट्रेडिशन. एक तो उसके अंदर का एक सेल्फलेस भावना उसको हेल्प करने की,
दूसरा उसका ये मोटिव कि वो भी इस आर्ट को सीखना चाहता था. सो दैट वुड फॉर्म योर मेजर पार्ट ऑफ द आंसर. ये आप लिख सकते हैं. नाउ लेट अस कम टू इंडेक्स 13.3 क्वेश्चन 1. व्हेन द ओल्ड मैन ओपन्ड हिज आईज ही फाउंड हिमसेल्फ ऑन द कॉट इन हिज रूम. हु डू यू थिंक पुट हिम ऑन द कॉट. जब बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने आप को एक कॉट पर पाया, यानी कि एक बेड पर, चारपाई पर पाया. आपको क्या लगता है कि किसने उसको कॉट पर रखा होगा? सलीम ने. क्वेश्चन नंबर 2 है, द ओल्ड मैन हर्ड द साउंड ऑफ स्ट्रॉन्ग ब्लोज ऑफ हैमर एंड चिजल. व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट दैट केम टू हिज माइंड. जब बूढ़े आदमी ने सुना कि कोई हैमर से, यानी कि हथौड़ी से, छैनी के ऊपर तेज वार कर रहा है, पहला ख्याल उसके माइंड में क्या आया? वो ये आया कि उसका बेटा गोपाल वापस आ गया है. He thought that Gopal had come back. Why did the old man admire Salim? Old man ने सलीम को admire क्यों किया? उसने देखा कि सलीम जो था वो उसके लिए तो इतना concerned था और उसने उसकी ही तरह, बिल्कुल उसकी तरह उसका फेस काव कर रहा था. सो ओल्ड मैन ने सोचा कि ये कितना मेरा ख्याल रख रहा है, कितना इसके अंदर मेरे लिए भावना है काम करने की. सो दैट मेड हिम एडमायर सलीम. सो यू विल से सलीम्स कंसर्न फॉर द ओल्ड स्टोन मेसन, हिज टाइमली हेल्प इन कार्विंग द स्टैच्यू एंड हिज स्किल इन कार्विंग मेड द ओल्ड मैन एडमायर सलीम. Why did the old man believe that there was nothing he could teach Salim? Old man ने ऐसा क्यों कहा कि वो सलीम को कुछ नहीं सिखा सकता? क्यों? क्योंकि जिस तरह से सलीम ने उसका फेस बनाया था, वो एक एक्सपर्ट हैंडीक्राफ्ट्समैन की तरह था और अगर उसे फेस आ गया, दैट मीन्स वो सब कुछ काव कर सकता है. सो इसीलिए उसने सोचा कि अब उसे सलीम को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है. सो यू कैन से दैट सलीम वॉज कार्विंग द फेस ऑफ द स्टैचू परफेक्टली लाइक एन एक्सपर्ट हैंडीक्राफ्ट्समैन. सो ही थॉट दैट देयर वॉज नथिंग ही कुड टीच सलीम. नाउ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. आपको इनको कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को. फर्स्ट वन इज, द ओल्ड मैन वॉज स्टन्ड टू सी सलीम वर्किंग ऑन द स्टैचू बिकॉज ओल्ड मैन शॉक हो गया, स्टन हो गया जब उसने सलीम को स्टैचू पर काम करते हुए देखा, क्योंकि उसने सोचा था कि यहाँ पर तो गोपाल होगा काम करता हुआ, बट यहाँ पर तो सलीम था. सो ही वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी गोपाल एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट गोपाल हैड कम बैक टू हेल्प आउट हिज फादर, बट वेन ही सॉ सलीम वर्किंग ऑन द स्टैचू ही वॉज शॉक टू सी सलीम. नेक्स्ट इज, सलीम वॉज एबल टू हेल्प द ओल्ड मैन इन फिनिशिंग द स्कल्पचर बिकॉज सलीम ओल्ड मैन को, बूढ़े आदमी को, स्कल्पचर फिनिश करने में हेल्प कर सका, क्योंकि पहली बात सलीम 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है क्वारी के अंदर, दूसरी बात सलीम ओल्ड मैन को जेन्युइनली हेल्प करना चाहता था. सो ही हैड बीन सीक्रेटली प्रैक्टिसिंग लर्निंग द आर्ट ऑफ मेसनरी. सेकेंडली ही हैड दैट soft corner for the old man and he had that concern for the old man, so he helped the old man in finishing the sculpture. Next is, pick out the word in the para 1 part 3 which means the same as surprised. अभी हमने देखा है वो stunned हो गया था. Next one is para 1 part 3 opposite of heavy का opposite, heavy का उल्टा light. heavy मतलब भारी, light मतलब हल्का. Look at the word admiration in para 1 part 3. Different meanings of this word are given below. Take the most suitable meaning in the given context. वैसे admiration का मतलब बहुत सारा होता है, but यहाँ पर admiration का मतलब आपको choose करके बताना है. और वो क्या है कि आपको suitable यानी कि उपयुक्त मीनिंग आपको चूज करके बताना है. एडमिरेशन का मतलब प्रेज, तारीफ करना, अप्रिशिएट, तारीफ करना, रिस्पेक्ट करना, अडोर, चाहना, थिंक हाईली ऑफ समबडी, मतलब कि किसी को एक ऊंचा दर्जा देना. सो इट इज think highly of somebody. Now next is, if you were in Salim's place, what would you do to improve the relationship between the old stone mason and his son? Agar aap Salim ki jagah hote, to aap Gopal aur uske father ka, yani ke old stone mason aur uske bete ka relationship improve karne ke liye kya karte? Pehle aap thoda bahut बता सकते हो कि मैं जानता हूँ कि गोपाल अपने फादर को एंगर में छोड़कर चला गया था, क्योंकि वो भी चाहता था कि फादर जो हैं इस तरह की हार्डशिप्स में ना रहें, और वो भी एक अच्छा पर्सन था, ऐसा नहीं कि वो अपने फादर से नफरत करता था. तो मैं यही बात दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा कि गोपाल, तुम्हें अपने फादर को बहुत आराम से समझाना पड़ेगा, गुस्से से काम नहीं चलेगा, और तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. मैं गोपाल को भी समझाऊंगा कि हाँ, ये बात ठीक है कि हैंडीक्राफ्ट यहाँ पर बहुत पैसा
नहीं फेच करता और बहुत सारी मार्केट्स भी नहीं होती, उसकी डिमांड भी नहीं होती, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने फादर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि आखिरकार आफ्टर ऑल ही इज योर फादर। सेकेंडली मैं उसे समझाऊंगा गोपाल को कि तुम्हें फादर के साथ इतनी बुरी तरह से एरोगेंस के साथ बर्ताव नहीं करना चाहिए, और फिर मैं उनको बताऊंगा गोपाल को कि तुम्हारे फादर तुम्हें कितना मिस करते हैं, कि जब मैं काम कर रहा था स्टैचू के ऊपर तो उन्हें लगा कि गोपाल आ गया, और इस बात से ही गोपाल का दिल पिघल जाएगा। सो इस तरह की आप बात बता सकते हैं। नाउ लेट अस लर्न न्यू वर्ड्स। द पर्सन हु कार्व्स अ स्टैचू इज कॉल्ड अ स्कल्प्टर। स्कल्प्टर जो कार्व्स करता है स्टैचू, जो पेशेंट्स ट्रीट करता है वो क्या कहलाता है? डॉक्टर। जो पोएम्स लिखता है उसे कहते हैं पोएट। जो टीच करता है, पढ़ाता है, उसे कहते हैं टीचर। जो क्ले पॉट्स यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कहते हैं पॉटर। जो वुडन फर्नीचर बनाता है, लकड़ी का काम करता है, उसे कारपेंटर। और जो वीव करता है, कारपेट्स बुनता है, उसे कहते हैं वीवर। Hi everyone, in this video we will be doing the rest of the exercises of the last stone mason. Jo bhi hamari exercise reh gayi thi, humne 13.1, 13.2 and 13.3 complete kar diya. Now is video mein hum complete grammar karenge, report writing karenge and we will also complete the terminal questions of the lesson the last stone mason. So let us quickly get started. Let us learn grammar. Grammar mein hamara first topic jo aa raha hai wo hai present perfect. आपको क्या करना है? Read the following sentences from the lesson and study the underlined verb patterns. So ये तीन sentences आपके lesson में से ही लिए गए हैं. Look what it has brought us. We have kept up the tradition. I have learned this from my father. अब हम सबसे पहले देखेंगे इन sentences में, इन तीनों sentences में verb pattern क्या है. Verb pattern है has लगा हुआ है, then verb की third form लगी हुई है. Similarly, have लगा हुआ है and again verb की third form लगी हुई है. अब कहीं पर has, कहीं पर have. With singulars, it is has and with I and plural, it is have. So this is called present perfect tense. Present perfect tense वो होता है जो बताता है कि action जो है वो start तो हुआ था past में, लेकिन वो बिल्कुल अभी बहुत recently complete हुआ है. Another example is India has won the cricket match against Sri Lanka. India एक singular है और उसके साथ win verb की third form लगी हुई है. So has plus verb की third form या have plus verb की third form उन actions को बताता है जो कि अभी अभी recently complete हुए हैं. अच्छा, अगर इन्हीं sentences को हमें negative बनाना है so हम has के साथ not लगा देंगे या never लगा देंगे कि ऐसा कभी नहीं हुआ है. नहीं हुआ है not, कभी नहीं हुआ है never. For example, he has traveled all over India but he has never gone abroad. वो India में पूरा घूमा है but वो कभी India से बाहर नहीं गया है, कभी नहीं गया. चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. नीचे कुछ सेंटेंसेस हैं, उनके साथ ब्रैकेट में कुछ वर्ब्स गिवन हैं और आपको प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म यूज करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है. सो द फर्स्ट वन इज मीना डैश फ्रॉम दस्तकार बाजार अ ब्यूटिफुल लैम्प शेड टू गिफ्ट टू हर फ्रेंड. मीना क्योंकि सिंगुलर है सो हैज परचेस्ड. मीना हैज परचेस्ड फ्रॉम दस्तकार बाजार एंड सो ऑन. नेक्स्ट इज आई कैन नॉट अकंपनी यू बिकॉज आई. अब आई के साथ क्या लगेगा? हैज नहीं लग सकता. सो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क येट. नेक्स्ट ही गिव का थर्ड फॉर्म होगा गिवन. सो ही के साथ लगेगा हैज. So he has given me a beautiful pen. Next one, Saina Nehwal has bring a third form brought has brought glory to India by her thrilling victory in the Commonwealth Games 2010. Next one, the Prime Minister has announced that the victims of the recent floods shall be given all the necessary help for their rehabilitation. Ab dekhiye, now look at the following sentences and study the verb pattern. Have you seen my purse? Ab ye chal to raha hai present perfect hi. Ab ye iska sawal ban gaya hai. So
जो हमने यू हैव सीन करा था ये बन गया हैव यू सीन. पहले हैव लगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी. सो दिस इज द इंटेरोगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. हैव यू सीन माय पर्स, क्या तुमने मेरा पर्स देखा है, वो ब्लू कलर का. हाउ मच टाइम हैव यू स्पेंट इन मेकिंग दिस स्वेटर, कितना टाइम तुमने स्पेंड किया है, कितना टाइम लगा इस स्वेटर को बुनने में. व्हाट हैव यू ब्रॉट फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से तुम क्या लेकर आए हो. तो ये अबव जो सेंटेंसेस थे ये क्वेश्चन फॉर्म में थे. दे बिगिन विद हैज और हैव. अगर वो हैज हैव से शुरू होंगे तो उनका आंसर यस या फिर नो में होगा, और अगर वो इंटरोगेटिव वर्ड्स यानी कि हाउ और हाउ मच से शुरू होंगे तो उनका आंसर ओपन एंडेड होगा, कोई भी आंसर हो सकता है. सो अब आपको क्या करना है इस एक्सरसाइज में. यू हैव दिस एक्सरसाइज नंबर 2. इट हैज गिवन यू दीज वर्ड्स. आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, व्हाट, व्हिच, हाउ मच, वेयर, Who, why, when, how many. इनके मीनिंग्स देख लेते हैं. What का मतलब क्या, which का मतलब कौन सा, how much कितना, where कहाँ, who कौन, why क्यों, when कब, how many कितने. अच्छा, how many और how much में क्या डिफरेंस है. How much जो है वो uncountable के साथ यूज होगा और how many countable के साथ यूज होगा. अब आपको आंसर दिया हुआ है, आपको उसका क्वेश्चन बनाना है. और क्वेश्चन आपको कैसे बनाना है, आपको ये अंडरलाइन वर्ड को देखना है. फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव बॉट अ न्यू केन चेयर. इट शुड बी फ्रॉम. आई हैव बॉट अ न्यू केन चेयर फ्रॉम डिफेंस कॉलोनी. मैंने नई केन की चेयर खरीदी है डिफेंस कॉलोनी से. सो द क्वेश्चन हैज बिकम, वेयर हैव यू बॉट दिस केन चेयर फ्रॉम. कहाँ से खरीदी, डिफेंस कॉलोनी से. तो हम क्वेश्चन में लगा दिया वेयर. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज, सीमा हैज ब्रॉट अ पेयर ऑफ जीन्स फॉर यू फ्रॉम मुंबई. सीमा तुम्हारे लिए मुंबई से एक पेयर ऑफ जीन्स लाई है. उसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इजी चीज ये है कि आप जो भी आपका अंडरलाइन पार्ट है आप उसको हाइड कर दीजिए, उसकी जगह आप कुछ ऐसा लगा दीजिए. सीमा लाई है तुम्हारे लिए मुंबई से. अब हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, सीमा क्या लाई है. यस, वेरी गुड. इसका हम क्वेश्चन क्या बनाएंगे, व्हाट हैज सीमा brought for you from Mumbai. Next देखते हैं, they have visited the golden temple in Amritsar 4 times. उन्होंने अमृतसर का golden temple 4 बार देखा है. अब उन्होंने golden temple अमृतसर का देखा है 4 बार. अब 4 बार countable है तो हम यहाँ पर how many लगाएंगे. So you will say, how many times have they visited the golden temple in Amritsar. जो countable है उसमें हम how many लगा देंगे. Next देखते हैं, he has gone to Mumbai to study engineering. वो मुंबई गया हुआ है engineering पढ़ने के लिए. So कहाँ गया हुआ है, जगह का नाम है. So कहाँ, so where has he gone to study engineering. Next one is, Ramesh has given you a shirt for your birthday. रमेश ने तुम्हें ये शर्ट, एक शर्ट दिया है तुम्हारे बर्थडे पर. तो रमेश को हटा देंगे. किसने दिया है, किसने इज हु. हु हैज गिवन यू अ शर्ट फॉर योर बर्थडे. नेक्स्ट वन इज, माय फादर हैज स्पेंट 3 hours इन राइटिंग द स्टोरी. 3 hours को हम हाउ मच टाइम भी लिख सकते हैं. हम कह सकते हैं, हाउ मच टाइम हैज योर फादर स्पेंट इन राइटिंग द स्टोरी. Right. Now let us look at the next part of grammar, which is non-finites. Non-finites ko understand karne ke liye, main aapko ek choti si slide dikhati hoon. Please have a look. Non-finites ka matlab hota hai wo verbs jinse tense ka pata nahi chalta. Kaafi log confuse ho jate hain iske andar. And ye verbs jo hain wo adjectives, yani ke visheshan, nouns, yani ke sangya, और एडवर्ब्स यानी कि क्रिया विशेषण की तरह यूज किए जाते हैं. सो द नॉन फाइनाइट्स आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, नाउंस और एडवर्ब्स. फॉर एग्जांपल, आई लाइक डांसिंग, मुझे डांस करना पसंद है. यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो है लाइक और डांसिंग जो है नाउन है. सो इसलिए यहाँ पर टेंस क्या है, आई लाइक डांसिंग, मुझे डांसिंग पसंद है. That means ये present simple tense है. They love to play hockey. ये भी present simple है, लेकिन यहाँ पर दो verbs हैं. एक love है, एक to play है. Similarly, the man sitting over there is my uncle. जो आदमी वहाँ बैठे हैं, वो मेरे uncle हैं. Main verb है is my uncle. वो मेरे uncle हैं. तो
सिटिंग भी एक वर्ब है, बट वो डिफरेंट तरह से यूज हुआ है. नॉन फाइनाइट्स जो है तीन तरह के होते हैं, एक जिसमें वर्ब नाउन की तरह यूज होता है, दूसरा जिसमें वर्ब एडवर्ब की तरह यूज होता है, और तीसरा जिसमें जनरली वर्ब जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है. तो जिसमें नाउन की तरह यूज होता है उसे कहते हैं जीरंड्स. फॉर एग्जाम्पल, वॉकिंग इज गुड फॉर आवर हेल्थ, या आई लाइक डांसिंग. दूसरा होता है इनफिनिटिव्स, जिसमें एडवर्ब्स की तरह यूज किया जाता है वर्ब को. फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू सी हिम, या दे लव टू प्ले हॉकी. और तीसरा होता है पार्टिसिपल. पार्टिसिपल दो तरह का होता है, एक पास्ट होता है और एक प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन इरिटेटिंग पर्सन, वो एक इरिटेट करने वाला आदमी है. ये इसकी विशेषता बताई जा रही है. जो मेन वर्ब है टेंस का, मेन टेंस है वो है इज. ही इज अ सेल्फ मेड मैन. इज भी एक वर्ब है और मेड भी एक वर्ब है. तो सेल्फ मेड जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है. तो ये हुए नॉन फाइनाइट्स. अब हम लेट अस गो बैक टू आवर टेक्स्ट. सो नॉन फाइनाइट, now read the following sentences and study the function of the word swimming. आपको ये sentences पढ़ने हैं और swimming जो है किस तरह से use हुआ है इन sentences में वो आपको understand करना है. The children are swimming in the swimming pool in their school. इस sentence का मतलब हुआ बच्चे अपने school के swimming pool में swim कर रहे हैं. आर स्विमिंग यानी कि तैर रहे हैं. आर स्विमिंग, ठीक है. तो यहाँ पर जो हमारा मेन वर्ब हुआ वो है आर स्विमिंग, जिसमें आर हमारा हेल्पिंग वर्ब और स्विमिंग हमारा मेन वर्ब. तो यू मस्ट हैव नोटिस द फर्स्ट यूज ऑफ स्विमिंग एज अ प्रोग्रेसिव टेंस. प्रोग्रेसिव मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब हम देखते हैं दूसरी तरह का सेंटेंस जिसमें यूज तो स्विमिंग ही हुआ है लेकिन उसका जो यूज है वो एज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड है. एग्जाम्पल देखते हैं. स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर हेल्थ. स्विमिंग हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है. इज जो है वो है मेन वर्ब, लेकिन स्विमिंग जो है वो यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, यानी कि एक नाउन की तरह से यूज किया गया है. सो ये एक जीरंड है. नेक्स्ट देखते हैं. ही एंजॉयज स्विमिंग ड्यूरिंग द समर. इन द अबव सेंटेंस स्विमिंग फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट. ये वो एंजॉय करता है स्विमिंग. मेन वर्ब क्या है? एंजॉयज. वो स्विमिंग एंजॉय करता है. सो यहाँ पर ये पार्टिसिपल के तौर पर यूज किया जा रहा है. तो ये होते हैं नॉन फाइनाइट्स. एंड सो लेट अस कम टू एक्सरसाइज 3. सर्कल द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्कल द आईएनजी वर्ड्स व्हिच आर नॉट मेन वर्ब्स. अब आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पर आईएनजी मेन वर्ब है और कहाँ पर आईएनजी मेन वर्ब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वेंट टू सी हिम ही वॉज रीडिंग द भगवद गीता. जब मैं उसे देखने गया वो भगवद गीता पढ़ रहा था. यहाँ पर पढ़ रहा था मेन वर्ब है. सो हियर रीडिंग इज द मेन वर्ब. So you will not circle it. तो आपको क्योंकि सर्कल वो करने जो कि मेन वर्ब नहीं है, राइट. नेक्स्ट वन इज ही लाइक्स रीडिंग डिटेक्टिव स्टोरीज. उसे जासूसी कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है. लाइक्स, मेन वर्ब क्या है? लाइक्स, पढ़ना पसंद है. तो यहाँ पर रीडिंग जो है मेन वर्ब नहीं है. सो यू विल सर्कल दिस वन. नेक्स्ट इज रीडिंग इज अ वेरी गुड हॉबी. पढ़ना बहुत अच्छी हॉबी है. मेन वर्ब क्या है? है, इज. सो अगेन हियर आल्सो रीडिंग इज नॉट अ मेन वर्ब. नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट वन. ही स्टार्ट्स मेडिटेटिंग व्हेन ही इज अंडर स्ट्रेस. वो मेडिटेशन शुरू कर देता है, मेडिटेटिंग करना शुरू कर देता है जब वो स्ट्रेस में होता है. मेन वर्ब है स्टार्ट्स, इसलिए नॉन मेन वर्ब है मेडिटेटिंग. आईएनजी फॉर्म है, नॉन मेन वर्ब है. नेक्स्ट वन, वी रिलैक्स्ड इन द वेटिंग रूम एट द रेलवे स्टेशन व्हेन द ट्रेन वाज लेट. हमने वेटिंग रूम में रिलैक्स किया रेलवे स्टेशन में जब ट्रेन लेट थी. वेटिंग रूम कौन सा रूम है? वेटिंग रूम भी मेन वर्ब नहीं है. सो यू विल सर्कल दिस वन. इन दिस यू विल सर्कल बी सी डी एंड ई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एड आईएनजी टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स एंड यूज देम इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो. आपको इन वर्ड्स के साथ आईएनजी लगाना है और इनको इन सेंटेंसेस में यूज करना है. आपके पास वर्ड्स हैं ट्रैवल प्रिपेयर. आपके पास वर्ड्स हैं ट्रैवल प्रिपेयर प्ले क्रॉस रीड वर्क. दे आर डैश
seriously for their board exams. वो क्या कर रहे हैं अपने board exams के लिए seriously? They are preparing. So E हटा देंगे, P-R-E-P-A-R-I-N-G, preparing. I liked dash by train. मुझे train से पसंद है. क्या? Travel. I like traveling by train. So T-R-A-V-E-L-L-I-N-G. Next one. He spends 2 hours dash reading books. Actually, this is the answer that's given and it is reading only. There is some printing error in the NIOS book. We should always look at left, right and left the road. It should be crossing. Hame hamesha left or right dekhna chahiye before crossing the road. The manager was not happy about the dash conditions in his office. Manager apne ऑफिस की किन कंडीशंस को देखकर खुश नहीं था? वर्किंग कंडीशंस को देखकर. सो डब्ल्यू आर के आई एन जी. ही इज गुड एट डैश क्रिकेट. वो क्रिकेट खेलने में. सो ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट. लेट अस लुक एट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ग्रामर. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ही हर्ड करेक्टली. हर्ड उसने सुना. ही हर्ड करेक्टली उसने सही सुना. सो ये करेक्टली जो है वो सुनने को डिस्क्राइब कर रहा है. नेक्स्ट वीकली ही वॉक टू द डोर. वो डोर तक गया. कैसे गया? कमजोरी से गया. सो अगेन यहाँ पर वर्ब को डिस्क्राइब किया जा रहा है. नेक्स्ट इज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग सीक्रेटली. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग. मैं प्रैक्टिस कर रहा था. मैं चोरी छुपे प्रैक्टिस कर रहा था. मैं सीक्रेटली प्रैक्टिस कर रहा था. इज मैं कैसे प्रैक्टिस कर रहा था. सो करेक्टली, वीकली, सीक्रेटली, ये तीनों हैं एडवर्ब्स और इनको कहा जाता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. किस तरह से किया जा रहा है उसको कहा जाता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. आपको एक एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कुछ एडवर्ब्स आपको गिवन है. आपको क्या करना है? आपको इन एडवर्ब्स को इन करेक्ट प्लेसेस पर फिल करना है. फर्स्ट वन इज लेट अस रीड द वर्ड्स बिफोर हैंड. क्विकली जल्दी जल्दी. क्वाइटली खामोशी से. फास्ट तेजी से. एंग्रीली गुस्से में. Easily, आसानी से. Loudly, जोर से. Patiently, इंतजार करते हुए. Beautifully, खूबसूरती के साथ. आप देखेंगे generally adverbs के अंदर ly लगाया जाता है. जब हम adjective के आगे ly लगा देते हैं तो adverb बन जाता है. First one is, I ran to catch the bus. I ran fast to catch the bus. We could cross the road easily as there was no traffic congestion at that time. The thief entered the bedroom. Kaise enter kiya? Quietly and stole the keys from under the pillow. Mother asked Raju to finish his homework quickly if he wanted to go out to play. The teacher said to Satish, Speak, कैसे speak? Speak loudly, so that all of us can hear you. हम तुम्हें सुन नहीं पा रहे हैं, हम सुन लेंगे अगर तुम जोर से बोलोगे. The doctor listened to me. Doctor हमें कैसे listen करता है? He listens to us patiently. There is nothing seriously wrong. You'll be all right if you take your medicine regularly. Geeta has decorated her children's room very beautifully. Decoration हम beautifully करते हैं. He was frightened when his father spoke to him. Frightened मतलब डर गया. किस चीज से डर गया? जब उसके father ने उसे angrily बात किया. So angrily. Now with this we have come to the writing part of this lesson and that is report writing. You are Manish, a resident of Krishna Enclave, Rohtak Road. आप मनीष हैं, कृष्णा एनक्लेव रोहतक रोड में रहते हैं. आप दिल्ली हाट की क्राफ्ट बाजार में घूमने गए और आपने बहुत सारे वहाँ पर क्राफ्ट्स डिस्प्ले देखे और बहुत सारे वहाँ पर आर्टिसंस थे, काम कर रहे थे, और आपने काफी आर्टिसंस से बात करी उनकी लाइफ के बारे में और उनका अपने क्राफ्ट के प्रति क्या एटीट्यूड है, क्या कमिटमेंट है, क्या डेडिकेशन है, उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट से, सरकार से, ताकि उनका ट्रेडिशनल वर्क, उनका ये काम आगे बढ़ाया जा सके. सो यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. आपके पास ऑलरेडी इतने सारे पॉइंट्स हैं अपनी रिपोर्ट को लिखने के लिए. आपको सिर्फ और सिर्फ इसको जॉट डाउन करना है. आपका जो मेन फॉर्मेट होता है रिपोर्ट राइटिंग का, लेट मी शो यू द फॉर्मेट. तो रिपोर्ट राइटिंग में आपका सबसे ऊपर आता है टाइटल, उसके बाद आप लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं आप प्लेस, उसके बाद जो भी आपका मैटर होता है, यानी कि इसे हम कहते हैं बॉडी, वो आप इसके अंदर लिखते हैं. उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने क्राफ्ट्स बाजार देखा. आई विजिटेड द क्राफ्ट्स बाजार एट दिल्ली हाट लास्ट वीक. मेनी आर्टिसंस वर एट वर्क ऑन देयर प्रोडक्ट्स. आई हैड अ पेशेंट
talk. I had a hearty talk with them. I was really impressed with the way they were working, and they told me about their craft, and they have come from far off places to participate in the Delhi Haat Craft Bazaar, and they were so talented, but they were facing some issues like lack of money. They could not show their talents in their own local village, and thus they moved to Delhi to showcase their talent. Though they love their craft and they put their heart and soul in it, but still they were getting very low salaries, very low wages, and it was very difficult for their survival. So this is how you can begin and continue the report. And alongside, you can also mention they have to struggle hard to make both ends meet, but they love their craft. They use natural materials like coconut shells, coconut wood, paper, clay, ceramics to make products. And their products are also eco-friendly. So you have a lot to say. Aapko 100 words bahut easily aram se ban jayenge. Aapko bas shuruaat karni hai ki aap kaise gaye aur aapne wahan par kya kya notice kiya, you liked it. And then you can gradually start writing your report, and you can use these very points to write the report. बेसिक आपको एक फॉर्मेट आना चाहिए और आप आराम से रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं. हाँ, अगर आपके पास ये पॉइंट्स नहीं हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट्स बहुत सारे दिए हुए हैं, सो आपको क्या करना है, आपको ये पॉइंट्स माइंड में सोचने हैं और अपने किसी रफ पेपर पर लिखने हैं ये पॉइंट्स, एंड देन यू कैन कैरी ऑन राइटिंग द रिपोर्ट. विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड द ग्रामर एंड द राइटिंग पार्ट. लेट अस मूव टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेसन, विच इज द टर्मिनल क्वेश्चंस. अब टर्मिनल क्वेश्चंस पर हम जा रहे हैं. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट ट्रू और फॉल्स, नॉट श्योर. आपको ट्रू लिखना है, सही, फॉल्स गलत, नॉट श्योर मतलब इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम उसके बारे में बता सकते. फर्स्ट, द ओल्ड मैन वॉज कमिटेड टू हिज वर्क. ओल्ड मैन अपने काम के लिए बहुत कमिटेड था. सही या गलत? सही. सेकेंड, सलीम वॉज एन ऑर्फन बॉय. यस, हमें लेसन में पता चला था कि सलीम ऑर्फन बॉय था, तो हम लिखेंगे सही, ट्रू. ओके, थर्ड वन इज सलीम लिव्ड विद द ओल्ड मैन इन हिज रूम. सलीम उस आदमी के साथ उसके रूम में रहता था. नो. गोपाल वॉज एन एम्बिशियस बॉय एंड वॉन्टेड टू अर्न मोर. गोपाल एक एम्बिशियस लड़का था, उसकी बहुत इच्छाएं थी और वो पैसा कमाना चाहता था. यस. द ओल्ड मैन फेंटेड बिकॉज ऑफ गोपाल्स बिहेवियर, नॉट ओनली फिजिकल एग्जॉशन. ओल्ड मैन गोपाल के बिहेवियर से बेहोश हो गया था, सिर्फ फिजिकल एग्जॉशन से नहीं. सो इट इज नॉट ट्रू, इट इज फॉल्स. गोपाल हैड रिक्वेस्टेड सलीम टू लुक आफ्टर हिज फादर ड्यूरिंग हिज एब्सेंस, ऐसा कुछ हुआ था? नो. क्या गोपाल ने कहा था सलीम को कि मेरे पापा का ध्यान रखना? नो. द ओल्ड मैन ट्रेन्ड सलीम इन द आर्ट ऑफ कार्विंग. क्या ओल्ड मैन ने सलीम को ट्रेन किया था? नो. नेक्स्ट इज राइट योर इम्प्रेशन ऑफ द ओल्ड स्टोन मेसन एज एन आर्टिस्ट इन अबाउट 100 वर्ड्स. आपको ओल्ड स्टोन मेसन, जो बूढ़ा आदमी था, उसके बारे में आपको लिखना है करीब 100 वर्ड्स में. आप लिख सकते हैं कि वो बहुत कमिटेड था, उसके लिए वर्क वर्शिप था, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं था, जबकि वो बहुत पुअर था, वो बिलीव करता था सर्विस टू गॉड में, और वो अपना फैमिली ट्रेडिशन आगे बढ़ाना चाहता था. बहुत मेहनती था, कमिटेड था, सिंसियर था, लेकिन उसका जो बेटा था वो पैसा कमाना चाहता था, उसको इन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता. लेकिन उसका जो एक नौकर था सलीम, वो बहुत ही अच्छा लड़का था. बेशक वो ऑर्फन था, लेकिन तब भी वो अपने मालिक के साथ रहा और मालिक का ख्याल भी रखा और मालिक की अधूरी पेंटिंग को भी कंप्लीट किया. सो दिस इज ऑल यू कैन राइट. नेक्स्ट वन इज इमेजिन यू आर द ओल्ड स्टोन मेसन. यू स्टन्ड टू सी सलीम वर्किंग ऑन द स्टैच्यू. द साइट मेक्स यू कंपेयर सलीम विद योर सन गोपाल. एक्सप्रेस योर थॉट्स ऑन हाउ सलीम इज डिफरेंट फ्रॉम गोपाल. अब आप जो है, आप ओल्ड स्टोन मेसन है, आपने सलीम को देखा काम करते हुए, और वो देखते ही आप एक कंपैरिजन में, यानी कि आप कंपेयर करने लग जाते हैं, अंतर करने लग जाते हैं सलीम और गोपाल में. आपको बताना है सलीम गोपाल से अलग कैसे था. तो आप बता सकते हैं कि गोपाल जो था वो एक, उसके अंदर आर्टिस्टिक स्पिरिट नहीं था. सलीम ऑन द अदर हैंड वॉज, के अंदर एक आर्टिस्टिक सेंस था. गोपाल पैसा कमाना चाहता था और सलीम जो था वो गरीब था, लेकिन उसके अंदर फिर भी पैसा कमाने की इतनी लालसा नहीं थी. गोपाल जो था अपने फादर की चिंता किए बिना छोड़कर चला गया. सलीम एक ऑर्फन
होने के बावजूद उसने ओल्ड मैन को अपने फादर की तरह रखा और उनका ख्याल रखा. सो यू कैन से लाइक दैट गोपाल वॉज इनकंसिडरेट टू हिज पेरेंट्स. ही वॉज नॉट अ गुड स्कल्प्टर. वो एक अच्छा स्कल्प्टर भी नहीं था. ही हैड नो डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टूवर्ड्स हिज ट्रेडिशनल वर्क. And he lacked the spirit of an artist and he was only ambitious to earn money. Salim, on the other hand, was an orphan boy, but he was more humane and helpful and he had the urge for learning and he used to practice carving secretly and though he did not receive any training in the masonry skills, yet he became expert in carving. Then he was very concerned about the old man, though he was not his real father. He was very humble. He had the sense of responsibility and so on. So with this, we have completed the lesson, The Last Stone Mason. I hope aap sabko samajh mein aaya hoga. In case koi aisi cheez hai jo aapko samajh mein nahi aayi hai, please do let me know and I will get back to you. Till then, take care of yourself. Bye.